31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने पिछले 8 साल से जेल में बंद बीमार बुजुर्ग हिंदू संत संत आशाराम जी बापू की अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया कि इनका गुनाह साधारण जुर्म नहीं है। तो क्या इन लोगों का गुनाह साधारण जुर्म था? गायत्री प्रजापति 2 महीने में जमानत। नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले नेता का गुनाह साधारण जुर्म था। पर्ल वी पुरी एक्टर्स 11 दिन में जमानत। नाबालिग के साथ रेप केस के आरोपी एक्टर का गुनाह साधारण जुर्म था। तरुण तेजपाल पत्रकार 6 महीने में जमानत। सीसीटीवी में पुख्ता सबूत होने के बावजूद बलात्कार के आरोपी पत्रकार का गुनाह साधारण जुर्म था। बिशप फेंगटो 21 दिन में जमानत। 13 बार बलात्कार करने के पुख्ता सबूत होने के बावजूद आरोपी पादरी का गुनाह साधारण जुर्म था। संत आसाराम जी बापू को 8 साल में जमानत नहीं, ना ही उनको पैरोल, एक दिन की तो छोड़ो एक मिनट तक की राहत नहीं। उन पर आरोप सिर्फ छेड़छाड़ी का लगे, फिर भी पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई पुख्ता सबूतों को नज़रअंदाज करके 8 साल से एक भी दिन उनकी उम्र का भी लिहाज न करते हुए जमानत नहीं, क्योंकि साहब इनका गुनाह साधारण जुर्म नहीं है। संत आसाराम जी बापू का गुनाह यही था कि संत आसाराम जी बापू ने आदिवासी क्षेत्रों के अंदर ईसाई मिशनरियां हिंदू को कन्वर्ट कर उनको ईसाई बनाती थी। बापू और बापू के भक्तों ने वहां जाकर भोले भाले आदिवासी हिंदू में से कन्वर्ट होकर ईसाई बने थे, उनको घर वापसी कराई। क्या संत आसाराम जी बापू का गुनाह यही है? क्यों संत आसाराम जी बापू को जमानत नहीं मिल रही है? संत आसाराम जी बापू काफ़ी सारी बीमारी से ग्रस्त है, उसके बावजूद उनको इलाज कराने के लिए भी जमानत नहीं मिल रही है। क्या संत आसाराम जी बापू का ये गुनाह है कि संत आसाराम जी बापू ने लोगों के व्यसन छुड़ाए, कितने लोगों के जीवन परिवर्तन किया? क्या संत आसाराम जी बापू का यही गुनाह है? पिछले 8 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर है, उसके बावजूद आज भी संत आसाराम जी बापू के द्वारा निरंतर समाज उत्थान के कार्य जारी है। क्या संत आसाराम जी बापू का यही गुनाह है कि उनको जमानत नहीं मिल रही है, उनको राहत नहीं मिल रही है? वो बीमार होते हुए मतलब इलाज कराना चाह रहे हैं मतलब तो भी उनको जमानत नहीं मिल रही है? क्या संत आसाराम जी बापू का यही गुनाह है कि 8 साल के अंदर जेल में होते हुए गरीब आदिवासी विस्तारों के अंदर आज भी मतलब राशन वितरित होता उन गरीब परिवारों में, और आज भी आदिवासी विस्तारों के अंदर जहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को बुलाया जाता है, भजन कराया जाता है, भोजन कराया जाता है और रात को उनको दक्षिणा दी जाती है? तो संत आसाराम जी बापू की ये स्कीम निरंतर सालों से आज भी जारी है। संत आसाराम जी बापू के द्वारा भारत भर में समाज उत्थान के कार्य आज भी जारी है। सोमवती अमावस्या के दिन 6 सितंबर को संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से गुजरात राज्य के जामनगर शहर के अंदर साधु संतों को भोजन कराया गया, उनको दक्षिणा दी गई और उनको चप्पल भी वितरित हुई। उसके बाद जामनगर समिति के द्वारा गरीब विस्तारों में जो गरीब लोग हैं उनको भोजन कराया गया। तो संत आसाराम जी बापू के द्वारा निरंतर समाज उत्थान के कार्य जारी है। तो कम से कम ये देखते हुए न्यायपालिका को संत आसाराम जी बापू को जमानत देनी चाहिए।